एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव पर सबसे सटीक चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल में क्या कहता है जनता का मन, जनता का अनुमान। बीजेपी से कई बड़ी खबरें यहां पर निकल कर आ रही हैं, बीजेपी में भी बगावती सुर नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी में कई कांग्रेस विधायक शामिल हुए, इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या कहता है। आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें, कुल 243 सीटों का क्या कहता है चुनावी गणित ओपिनियन पोल, क्या नए आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जेडीयू को जादू चलेगा या फिर आरजेडी की वापसी होगी, इस पर क्या कहता है जनता का मन, जनता का ओपिनियन पोल, बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन इससे पहले कुछ सवाल पूछे गए थे, उन सवालों के क्या उत्तर निकल कर आ रहे हैं, और सवाल बिहार के लिए पूछा गया है, बिहार के लिए पीएम मोदी का अब तक का कामकाज कैसा रहा है। बहुत अच्छा कहने वाले 27% लोग हैं, अच्छा कहने वाले 36 हैं, औसतन जो लोग हैं वो 21% हैं, खराब कहने वाले 11 और बहुत खराब कहने वाले मात्र 3% ही लोग यहां से निकल कर आते हैं। अब 5 साल में नीतीश कुमार का कामकाज कैसा रहा है, इस पर जो सवाल पूछा गया था उस पर क्या राय निकल कर आती है जनता की। बहुत अच्छा कहने वाले 27% है, अच्छा कहने वाले 39%, यानी यहां पर अगर आंकड़े निकले तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार का कामकाज अच्छा रहा जनता के हिसाब से, जनता के अनुमान से। औसतन जो आंकड़ा है 21 का है, खराब कहने वाले 10%, बहुत खराब कहने वाले 2%, यानी 12% लोग ही यहां पर नीतीश कुमार के कामकाज से नाराज हैं। लेकिन क्या बनता है और आंकड़ा देखिए, एक और आंकड़ा यहां पर निकला है जो सवाल पूछा गया था, बीजेपी को बिहार में अपना चेहरा उतारना चाहिए नहीं, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी, इसकी पहले भी जानकारी आई थी, हालांकि अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जो सवाल पूछा गया वो है, बीजेपी अपने दम पर अगर बिहार में चुनाव लड़ती है, चेहरा उतारती है, तो क्या आंकड़े बन सकते हैं। देखिए, सीएम उम्मीदवार 53% लोग मानते हैं कि बीजेपी को अपना चेहरा उतारना चाहिए, 35% लोग कहते हैं कि बिहार में अगर बीजेपी अपना चेहरा उतारती है तो मोदी के नाम पर उनको 35% वोट मिल जाएंगे, पता नहीं कहने से 12% लोग यहां पर हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अहम मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं जिन पर विपक्ष जो है बड़े सवाल उठा सकती है, और इन मुद्दों पर चुनाव भी लड़ा जा सकता है ऐसी खबर है। आरक्षण का मुद्दा बेहद इंपॉर्टेंट होगा, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, इन पर जो है बड़ा यहाँ पर कह सकती है मुद्दे हो सकते हैं, बलात्कार, प्रशासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार, तो ये कुछ अहम मुद्दे जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए विपक्ष यहाँ पर ये मुद्दे उठा सकता है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है कि गठबंधन किसके साथ किसका होता है और कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ती है। अगर बात करें तो बिहार में अगर बात करें तो आरजेडी और मेन जो लड़ाई है वो जेडीयू से होगी आमने सामने, क्योंकि ये दो बड़ी पार्टी हैं, एक दूसरे को टक्कर देते हैं और इनको सपोर्ट करती है कांग्रेस और यहाँ पर बीजेपी। अब कांग्रेस का यहाँ पर महागठबंधन में जो कि आरजेडी के साथ होगा उसमें साफ तौर पर कहना है कि इस बार उन्हें ज्यादा सीटें चुनाव के लिए चाहिए, जिनमें कम से कम 80 सीटों की दावेदारी इस बार कांग्रेस आरजेडी से कर रही है। अगर ऐसी मांग कांग्रेस रखती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी इतनी सीटें नहीं दे पाएगी कांग्रेस के लिए, ऐसा आरजेडी के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितना पहले समझौता था उसी के हिसाब से वो एडजस्ट करेंगे। अगर आरजेडी 80 सीटें देती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी के जो मेन गढ़ सीटें हैं वहाँ आरजेडी को नुकसान होगा। इसके अलावा आरजेडी को नुकसान, अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है और कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर उनको यहाँ पर टक्कर दे सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान होगा। एक तरफ यहाँ पर कह सकते कि आरजेडी के लिए कांग्रेस जो है लगातार सीटों के लिए ज़्यादा मांग कर रही है। अब बात करते हैं बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के लिए कुछ अहम मुद्दे लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतर सकती है, जिनमें 3 तलाक का मुद्दा हो, धारा 370 हो, रफेल हो, NRC, राम मंदिर हो, और जो दिल्ली में चुनाव हुआ था उनको लेकर, हालांकि यहाँ पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो क्या बिहार में भी इन जो मुद्दे हैं बड़े उन मुद्दों का यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं, इस पर आगे आपको आंकड़े दिखाएंगे। हाल ही में हुए चुनाव यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होकर NCP शिवसेना के साथ सरकार बना ली, तो क्या बिहार में भी इस तरह के आंकड़े बनेंगे चुनाव रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि ये सारे गठबंधन होते हैं लेकिन चुनाव रिजल्ट आने के बाद साफ ही कुछ बदल जाता है, तो क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होगा, इस पे क्या कहते हैं आंकड़े आपको दिखाएंगे। NDA में अगर बात करें तो LJP इस बार जो है NDA गठबंधन से अलग चुनाव लड़ सकती है, इसलिए चिराग पासवान यहाँ पर अपने
नई पार्टी जो बनाई उन्होंने LJP, उस पर कहीं ना कहीं अलग से चुनाव लड़ने की फिराक में है। इसके अलावा बिहार में OBC पार्टी भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये काफ़ी सारे वोट शेयर जो है वो पार्टियों के बिगाड़ेगी और कहीं ना कहीं अहम भूमिका में आ सकती है, क्योंकि कुछ सीटें अगर OBC यहाँ पर निकाल लेते हैं तो फिर इनका समर्थन किसे मिलता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए यहाँ पर पुष्पम प्रिया भी चुनावी मैदान में उतर रही हैं और यहाँ पर JDU की तरफ से हैं और JDU की पार्टी से आते हैं जो नेता, उनकी यहाँ पर पुत्री हैं, लेकिन वो अलग पार्टी यहाँ पर बना रही हैं, तो इससे भी JDU को नुकसान हो सकता है ऐसी खबर है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी पार्टी यहाँ पर जीत जाती है तो फिर काफ़ी विकास बिहार के अंदर हो सकता है। अब अजहरुद्दीन ओवैसी जो पार्टी है वो कितना अहम इफेक्ट डाल सकती है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो मुस्लिम वोटर जो है 17 से 20% के लगभग यहाँ पर वो हैं और ये जो वोट शेयर है वो RJD और कांग्रेस को मिलता है। अगर अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में होते हैं तो ये 18 से 20% जो वोट शेयर है वो यहाँ पर RJD कांग्रेस का कम हो सकता है, ऐसी खबर है, ऐसा जो अनुमान है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं BJP और JDU को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, ऐसी खबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो अन्य जो यहाँ पर सीटें हैं जिनमें 60 से 70 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं, तो ऐसे में अजहरुद्दीन ओवैसी काफ़ी निर्णायक हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और RJD के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो लोकसभा में जो 2019 में इलेक्शन हुए थे उसमें किस प्रकार के आंकड़े हैं, देखिए BJP यहाँ पर 17 सीटें हासिल की, JDU ने 16 और यहाँ पर LJP ने 6, तो कांग्रेस को सिर्फ एक सीट ही हासिल हुई। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर JDU और BJP दोनों का जो वोट शेयर है वो लगभग यहाँ पर आमने सामने है और BJP का जो वोट शेयर है वो JDU की तरफ से मुड़ रहा है, ऐसे में अनुमान है कि JDU को आने वाले चुनाव में काफ़ी फायदा होगा। इसमें अगर बात करें तो बिहार में महागठबंधन को बचाने की कोशिश, इसके अलावा यहाँ पर RJD के लिए रहेगी कि वो किन किन बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारती है और अपने जो पुराने नेता हैं उनके साथ किस प्रकार का सामंजस्य वो बना पाते हैं। तो इसके अलावा BJP के सामने भी यहाँ पर गठबंधन को बचाए रखने के लिए चुनौती होगी, क्योंकि BJP ने जिस प्रकार से झारखंड में अपना जो गठबंधन था उसको तोड़ा और जिसका नुकसान झारखंड में BJP ने अपनी सत्ता गंवाई, तो क्या झारखंड के बाद बिहार में भी BJP जो है महागठबंधन को बचा पाएगी या नहीं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन BJP की अगर बात करें या यहाँ पर JDU की बात करें या फिर RJD की, तो पोस्टर वार हो या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जो है कटाव अभी से देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में बिहार के लिए क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए नीतीश कुमार जो है अभी से ही तैयारी में है और अलग अलग प्रकार की यहाँ पर रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। वही BJP की बात करें तो BJP की तरफ से अगर अलग से चुनावी BJP लड़ती है तो फिर क्या कुछ होगा, इस पर भी आप लोग दिखाएंगे। इसके अलावा LJP ने साफ तौर पर कहा है कि वो जो है अलग से ही चुनावी मैदान में उतरेगी और इसके अलावा RJD को क्या कुछ हो सकता है, RJD को तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों अलग साथ में आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इनको भी फायदा होगा, अगर दोनों विपक्ष में रहते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो फिर इनको नुकसान भी हो सकता है। अब बात कर लेते बिहार विधानसभा चुनाव 2015 इलेक्शन में किस प्रकार के रिजल्ट थे, देखिए JDU RJD कांग्रेस ये तीन बड़ी पार्टी जो थी वो गठबंधन में थी और इस गठबंधन को सरकार बनाने के आंकड़े मिले और सरकार बनी भी, कुछ दिन चली लेकिन इसके बाद JDU ने BJP के साथ सरकार बनाने जो कि अब तक कामयाब भी है। लेकिन अब प्रयास ये है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव लड़ा गया था दोनों के साथ, तो क्या बिहार में वापस से चुनावी मैदान में होगी या नहीं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन 243 सीटों के लिए 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है तो इस पर क्या कहता है जनता का अनुमान, जनता का ओपिनियन पोल। अगर बात करें तो RJD की सबसे पहले बात करते हैं तो RJD यहाँ पर लगभग 90 सीटों के आसपास सीटें ला सकती है, वहीं BJP जो है 55 सीटों के आसपास यहाँ पर सीटें ला सकती है। अगर BJP अलग से चुनाव लड़ती है तो फिर यहाँ जो सीटें 55 आपको दिखाई दे रही हैं इन सीटों पे काफ़ी इजाफा होगा, क्योंकि अगर बात करें तो BJP का जो वोट शेयर है वो JDU की तरफ चला जाता है इस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आंकड़े देखने को मिले। और यहाँ पर अगर बात करें JDU को 60 सीटें अगर दोनों को मिला दिया जाए
तो लगभग 115 सीटों के आसपास यह आंकड़ा पहुंचा है और 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, यानी कुछ सीटें यहां पर कम पड़ सकती हैं। ऐसे में अन्य का काफी महत्वपूर्ण यहां पर रोल हो सकता है कि वो किसको समर्थन देते हैं। इसी प्रकार से अगर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन देखें तो वो लगभग 115, 120 और 110 के आसपास वो यहां पर पहुंच रहा है। जिनमें अगर बात करें तो अन्य की जो 10 से 15 सीटें जो अन्य की हैं वो किन को समर्थन देती हैं, जिनमें अजहरुद्दीन ओवैसी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आखिर बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी, किस गठबंधन को कितनी सीटें यहां पर मिलेंगी, क्या गठबंधन या इसके अलावा एक पार्टी ही पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ जाएगी, तो क्या कहता है चुनावी गणित ओपिनियन पोल। इस तरह की और भी खबरें पाने के लिए इलेक्शन की या चुनावी विश्लेषण संबंधी जो भी बड़ी खबर यहाँ पर निकले उसके लिए आप प्लीज शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नरिशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। और एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।